हेलो नमस्कार। आज JVNL के पेपर के अंदर जीके का पोर्शन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन 2018 की मेज़बानी 2018 की मेज़बानी करेगा, यानी कि अब 2020 चल रहा है, 2018 का क्वेश्चन पेपर है तो कर चुका है ये। इसका आंसर है जर्मनी। निम्नलिखित में से, क्योंकि ये 2018 का पेपर है, ठीक है, अभी 2020 चल रहा है तो एग्ज़ाम तो हो चुका है पहले, क्वेश्चन थे उस टाइम। निम्नलिखित में से किसने वार्षिक BCCI पुरस्कार में पॉली अमरीगर पुरस्कार 2018 में जीता? इसका आंसर आएगा विराट कोहली। निम्न में से कौन सा शहर पहली बार भारत पर्यटन मार्ट की मेज़बानी करेगा? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता। या दो चार क्वेश्चन करंट अफेयर के, उसके बाद राजस्थान जी के क्या देंगे। तो इसका आंसर आएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर पॉलीएमाइड कहा जाता है? ओरलेन, टेरलिन, रियोन, नाइलॉन, नोमेक्स। इसका राइट आंसर नाइलॉन। मानव शरीर के गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या कितनी होती है? 24, 32, 36, 44 या 46? राइट आंसर इज 46। मानव सूत्रों और लेबलों को स्प्रेडशीट्स में किस में संग्रहित किया जाता है? सेल में, रेंज में, फंक्शन केबल, लेबल्स में, रजिस्टर में। तो सेल के अंदर। थोड़ा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। PDF का विस्तार क्या है? PDF की फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो इसका राइट आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक फाइलों का विस्तार निम्न में से कौन सा है? ये सभी .bmv, .gif, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, IBM 14021 पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है? प्रथम, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी? तो दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी का उदाहरण है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को चार भागों से युक्त संख्या कि एक स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेब नेम, डोमेन नेम, होस्ट नाम, आईपी एड्रेस, मशीन नेम। इसका राइट आंसर आईपी एड्रेस। इसका राइट आंसर आएगा आईपी एड्रेस। निलंबी साइट का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? AB, लिंक्डइन, लिंक्डइन, फेसबुक, एक्सकीगो, इनमें से कोई नहीं। ईबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ई बैंकिंग का रूप है? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक चेक, कन्वर्सन, प्रत्यक्ष जमा, ये सभी? तो ये सभी। खालिस्तान चेक या नकदी बजाय सीधे एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का स्थानांतरण करने की एक प्रणाली है? EMT, EST, EFT, ETA, ETL। इसका राइट आंसर EFT। आपको कमेंट बॉक्स में बताना EFT की फुल फॉर्म। ई कॉमर्स के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा समुदाय है? व्यवसाय से सरकार, व्यवसाय से व्यवसाय, व्यवसाय सरकार से सरकार, व्यवसाय से उपभोक्ता, उपभोक्ता से व्यवसाय। राइट आंसर व्यवसाय से व्यवसाय। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा समुदाय है। शिफ्ट का विस्तार, शिफ्ट का विस्तार बताना है आपको। SWIFT, शिफ्ट, शिफ्ट विस्तार बताना है इसका। SWIFT, शिफ्ट का विस्तार बताना। राइट आंसर वेज।
सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट, इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। डी, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है? मास्क उत्पादन, अनाज उत्पादन, दूध उत्पादन, दाल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप से में जाना जाता है? एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, पेडोलॉजी, एंथोलॉजी, ओनिथोलॉजी। राइट आंसर इज ए, एंटोमोलॉजी। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्रीय चावल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, कटक में, कानपुर में, कोयम्बतूर में, चेन्नई में। चावल का अनुसंधान बताना है आपको, तो राइट आंसर इज बी, कटक में। गणगौर उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अभी पीछे गया है, मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? गुरु शिखर, रघुनाथ गढ़, जरगा, अंचलगढ़, खो है। गुरु शिखर। छाबरा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? ये टेक्निकल के अंदर आए सारे क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, तो बरन के अंदर है छाबरा थर्मल पावर प्लांट। किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? बरान, अलवर, सीकर, जोधपुर, कोटा। राइट आंसर इज जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से, पिंक सिटी जयपुर को। अब पिंक सिटी पूछे तो पिंक सिटी तो आएगा जयपुर। लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल। राइट आंसर इज बास्केटबॉल। ओके, तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। आगे 25 क्वेश्चन मैथ के वो कल मैं आपको करवा दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।